गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो आने वाले एक्सरसाइज के लिए रिक्वायर करता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है आज का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसमें से पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 पर कल जहाँ एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी उसके जस्ट साइड में देख सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। थ्योरम 6.7 वहां पर लिखा है, थ्योरम आपको लिखना है और ये थ्योरम प्रूव भी करना है और ये एग्जामिनेशन में भी आएगा। सो मैं जैसे समझाता हूं वैसे आप करेंगे। एक एक चीज ध्यान में रखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ये होमवर्क में आपको एक्सप्लेन करना ही है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के थ्री एंगल्स, जैसे कि ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो इस ट्रायंगल के थ्री एंगल्स है पी क्यू एंड आर। इन तीनों का प्लस करेंगे, तीनों एंगल का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। प्रूफ भी करना है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे करेंगे। यह है एंगल वन, यह है एंगल टू और यह है एंगल थ्री। ये थ्री एंगल है। सो तीनों का प्लस 180 होता है। ये बताने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर करेगा कि 180 कैसे लाना है। तो आपको मालूम है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर, वहाँ 180 होता है। और दूसरे कंसेप्ट पढ़े हमने लीनियर पेयर के बाद में लास्ट एक्सरसाइज में, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल्स, इन की हेल्प लेकर के हमको इसको प्रूव करना है। तो कंसेप्चुअल है। थ्योरम लिखते समय पहले हमने गिवन लिखना चाहिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर। गिवन है आपको, सिर्फ एक ट्रायंगल गिवन है और कुछ नहीं है। यहां पर ऐसे नहीं लिखा है, डायरेक्ट प्रूफ लिखा है पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर आपको ये सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ है। सो इसमें आपको प्रूव करना है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल सब ट्रायंगल, वन एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, इस ट्रायंगल के थ्री एंगल्स, तीनों का प्लस कितना, 180। ये हमें प्रूव करना है। सो इसको टू प्रूव में लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड करते हैं, प्रॉपर लिखते नहीं हैं और जबान बहुत लगाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत बहाने होते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि खाली ट्रायंगल देकर के प्रूव नहीं होता है। हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स पी है यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, किसको, क्यू आर को। ड्रॉ ड्रॉ लाइन थ्रू वर्टेक्स पी थ्रू वर्टेक्स पी, ड्रॉ लाइन एक्स वाई, ड्रॉ लाइन एक्स वाई थ्रू वर्टेक्स पी और पैरेलल किसको, क्यू आर को, पैरेलल टू टू साइड क्यू आर। इसका मीनिंग ये हुआ एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका कंस्ट्रक्शन, आपको नीचे दिख रहा है या नहीं, यस क्लियर, विजिबल है। अब करेंगे प्रूफ।
डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, इतने पार्ट होते हैं थ्योरम के। कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए इतनी चीजें रिक्वायर करती हैं। फर्स्ट वन, यहां पर आप देखेंगे तो जब आपने ये पैरेलल ड्रॉन किया, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर मैं सिंबल से बताऊं तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गए। अब यहां पर अल्टरनेट एंगल्स कैसे बनेंगे? ये ट्रांसवर्सल, इसका अल्टरनेट एंगल यहां बनेगा। सो मान के चलो जैसे टू मार्क है तो यहां पर भी टू मार्क दिया, ये टू है, वन टू थ्री, ये फोर मान के चलो। और जैसे थ्री है तो इसका अल्टरनेट यहां बनेगा, लेट इट इज फाइव, इस तरह से। सो यहां पर फोर प्लस वन प्लस फाइव, ये एक्स वाई लाइन पर पूरा लीनियर पेयर बनाएगा, बराबर है। 4 प्लस वन प्लस फाइव इजिकल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर अक्सम, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन देना है लीनियर पेयर अक्सम, लीनियर पेयर अक्सम। अगर नहीं भी दिख रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं वो करेंगे। उसके बाद में इसको इक्वेशन बन दीजिए, इसका काम हो गया लीनियर पेयर का। नाउ अब पैरेलल लीजिए, एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, सेकेंड एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, यह हमने कहाँ किया था? कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक बार ट्रांसवर्सल लेंगे पी क्यू, एक बार लेंगे पी आर, पी क्यू एंड पी आर देयर ट्रांसवर्सल्स। That's why 2 is equal to 4, कैसे एंगल? अल्टरनेट एंगल। That's why 4 is equal to 2 equation 1, it is 2, 4 is equal to 2 and 5 is equal to 3. ये कैसे एंगल्स हैं? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स आपको दिख रहा है या नहीं? एडजस्ट करना पड़ेगा, दिख तो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे? फ्रॉम वन टू थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री वैल्यू पुट करना। फोर इज इक्वल टू, यह है फोर, यह है वन, यह है फाइव। अभी हमें फोर और फाइव नहीं चाहिए, हमको इसके एंगल्स चाहिए। तो हम फोर के बदले क्या लिख सकते हैं? टू। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो इसको रिप्लेस करके उसका इक्वल ले ले, और फाइव को रिप्लेस करके उसका इक्वल थ्री ले ले। तो हम क्या करेंगे? फोर के बदले टू लेंगे इक्वेशन टू से, और फाइव नहीं लेंगे, फाइव का वैल्यू जो थ्री है वो थ्री से, यानी टू और थ्री की वैल्यू वन में पुट करना है। तो फोर में, फोर की जगह क्या लिखेंगे? टू, ठीक है, प्लस वन, प्लस फाइव की जगह क्या लिखेंगे? फाइव की जगह लिखेंगे थ्री इज इक्वल टू 180। ये पूरा इक्वेशन 180 का है, इसको नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा, इसको रिप्लेस किया या उसके वैल्यूज से, इज इक्वल टू
180 डिग्री, क्यों? रीजन पहले ही दे दिया। अब इसको जरा सीक्वेंस से लिख लें। देयरफॉर पहले 1 फिर 2 फिर 3 इज इक्वल टू 180। 1 का मतलब एंगल पी, 1 का मतलब एंगल पी, प्लस 2 का मतलब एंगल क्यू एंड 3 का मतलब एंगल आर इज इक्वल टू 180। दैट्स वाई पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180। हैंस प्रूव। सो ये हैं, ये रीजन्स हैं और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हैं और इसमें डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, 4 पार्ट हैं। इस तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिक इसको पढ़ लेना है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा और आपको अभी होमवर्क में भी लिख के भेजना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर 105 के जस्ट नेक्स्ट पेज पर ऊपर में थ्योरम है 6.8। ये 6.7 था, नाउ 6.8। थ्योरम 6.8 बुक से लिख लेंगे आप पेज नंबर 106 पर। टॉप पर ही हैं, इस थ्योरम का भी काफी यूज रहेगा आपको, या इन थ्योरम्स के बिना आप कुछ एक्सरसाइज में कर ही नहीं सकते। सो इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस करो। सो एक ट्रायंगल ड्रॉन किया, आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, पी क्यू आर मान के चलो, पी क्यू आर और इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इसकी जो क्यू आर साइड है इसको प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ाएं अप टू एस। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ए एज इट इज हैं, इसको प्रोड्यूस किया, देन द एक्स्ट्रा एंगल्स ऑफ फॉर्म। तो यहां पर ट्रायंगल के ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये ट्रायंगल के बाहर ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये बनता है एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। यू आर एक्सटीरियर एंगल, सो फॉर्म इज इक्वल टू द, ये एंगल किसके इक्वल होता है, यही थ्योरम है, इज इक्वल टू द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है, लीनियर पेयर जो बनाता है, तो इसके जो अपोजिट जो है ये और ये, इनके सम के बराबर होता है, इसका मेजर ये है थ्योरम। ओके, एंड दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो आपको पूछा जाएगा प्रूव एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये इसकी टाइटल। थ्योरम के बाद में थ्योरम लिखना, डायग्राम बनाना। अब इसके अपोजिट रिपोर्ट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये जो दोनों हैं ये है रिमोट इंटीरियर एंगल्स, इनको कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू ये होता है, इतना ही ध्यान में रखना है, इसको आपको प्रूव नहीं करना है। दैट्स वाई इंटर एंगल पी क्यू आर खाली एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ नहीं करना है। एंगल पी आर एस दिस वन इज एन एक्सटीरियर एंगल, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफोर बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंगल थ्योरम फुल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, थोड़ा स्पेस कम है मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको सब लिखना है। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर्स ऑफ, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये आपके थ्योरम में ही दिया है। दैट्स वाई एक्सट्रा एंगल कोन पी आर एस, ये वाला पी आर एस इज इक्वल टू आपको दो एंगल का प्लस लेना है, दो एंगल का प्लस लेना है। कौन से दो एंगल? इसका एडजेसेंट एंगल छोड़ करके, ये एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल का इज इक्वल टू इन दोनों का सम, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इन दिस वे ये था आपका सेकेंड थ्योरम। नाउ नेक्स्ट वन यहां नहीं दिया है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए हमको एक की और जरूरत पड़ेगी, मैं अपने तरफ से पढ़ाता हूं अभी आपको। ये आपको एट्थ में हुआ होगा, इसलिए यहां नाइन्थ में नहीं दिया उसने, ये आपको प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। सो इसको बोलेंगे हम थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, बाय मतलब टू,
बाय मतलब टू और सेक्ट मतलब काटना या डिवाइड करना। बाय का मतलब होगा टू और सेक्ट का मतलब डिवाइडेड इंटू टू और कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ये इनके मीनिंग है। ओके, सो एक एंगल ड्रॉन करें इस तरह से और यहां पर एग्जैक्टली दोनों के बिल्कुल बीच से बाय यानी टू, टू इक्वल पार्ट से ही होने चाहिए। अगर ये 60 का है तो 30 30 ही होना चाहिए और ये सिंबल रहता है, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। ये सिंबल का मतलब होता है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब मान के चलो ये एंगल हो ए बी सी और ये जो बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स, यहां अगर डी हो तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी सी का, ऑफ एंगल ए बी सी। दैट्स वाई बाइसेक्टर क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये बाइसेक्टर है तो आप डायरेक्ट लिखें, दैट्स वाई ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, रीजन थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये वो तीन चीजें थी जो आपको एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने के लिए यूजफुल हैं, ये इसके सिवा नहीं होगा। व्हाट इज टाइम नाउ, यस टाइम इज ओवर, तो एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट पीरियड में शुरू करेंगे। उसके पहले आपको ये तीन थ्योरम होमवर्क में करना है, दो एक्सप्लेन करना है और एक थ्योरम प्रूव करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, थैंक यू।